अगर अभी भी हम ना सीखें अपनी इस गलती से तो फंसते चले जाएंगे, प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। और बॉडी क्या है, पूरी इंटरकनेक्टेड है। आप ये नहीं कह सकते कि एक एयरक्राफ्ट है उसमें एक पार्ट ही तो खराब है, उससे क्या फर्क पड़ता है, वो पार्ट सारे और पार्ट से कनेक्टेड है। बॉडी में एक पार्ट भी अगर आपका खराब है तो समझ जाओ बाकी सारे पार्ट्स उससे इंटरकनेक्टेड है, धीरे धीरे सब पे असर आने लगता है। सो अब इसका तरीका क्या है, डू वी अंडरस्टैंड कि कैसे काम किया जाता है? देखो, जब भी हम काम करते हैं अपनी बॉडी पे, या तो करते हैं इमीडिएट रिजल्ट के लिए, यानी कि फटाफट से हमको अच्छा फील होने लगता है तो हम खुश होने लग जाते हैं, अगले दिन करते हैं इतना अच्छा फील नहीं होता फिर हम उसको करना छोड़ देते हैं। तो आपको कुछ बेसिक सी बातें बताऊं, डू यू वांट टू नो दैट या नहीं? आगे बढ़ो। हाँ ठीक है, देखो बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। कोई भी आप एक्सरसाइज करोगे ना, उसका जो असर आएगा आपके ऊपर, पहले तो ये समझ लो कि एक गुड पेन होता है, एक बैड पेन होता है। गुड पेन मतलब क्या, कि आपने स्ट्रेच किया, अभी एक पार्ट में पेन आ रहा है, जैसे ही आपने वो स्ट्रेच करना बंद किया वो पेन आना बंद हो गया, दिस इज गुड पेन। एक है आपने कुछ उल्टा सीधा स्ट्रेच कर दिया और उसके बाद भी वो पेन बढ़ता जा रहा है, दैट इज बैड पेन। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन गुड पेन एंड बैड पेन। अब इसमें एक और मजेदार बात आपको बताता हूँ कि हमारी जो बॉडीज हैं वो हर मोमेंट में चेंज हो रहे हैं, डेली चेंज हो रहे हैं। तो आज अगर आप कुछ एक्सरसाइज करोगे, उसका पेन आ रहा है मान लो इस जगह पे, आप कल करोगे कहीं और आने लगे, मतलब वो पार्ट अब खुल गया, तो अब आपको पता लग गया मैं थोड़ा सा डीपर जा रहा हूँ। अगर आप डेली एक एक्सरसाइज कर रहे हो, डेली वहीं पे पेन आ रहा है जहां पर एक साल पहले आ रहा था, इसका मतलब आप नेक्स्ट लेवल पे गए ही नहीं, आप वहीं घूम रहे हो गोल 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 गोल। देखा अच्छा रहता है ना, गोल गोल घूमता है ना, उसको बांध दिया जाता है, बस वहीं घूमता रहता है, उसको लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, वो वहीं है जहां पर 10 साल पहले था, वहीं गोल 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 घूम रहा है। तो पेन मस्ट शिफ्ट, आप समझ गए, वो शिफ्ट होना चाहिए, वहां से हटके वहां पे पेन होना बंद हो गया और नीचे, फिर कहीं और आए, फिर कहीं और। तो अब आपको धीरे धीरे समझ आ रहा है, अब मैं डीपर लेयर्स में पहुंच रहा हूँ। पेन शिफ्ट होता है और शिफ्ट तभी होगा जब आप एक किसी भी पोज को होल्ड करो फॉर एटलीस्ट अ मिनट। अब मिनट होल्ड करने का मतलब क्या है वो जब आप करोगे तो आपको समझ आएगा। सिंपल हाथ ऊपर करके खड़े हो जाना तभी एक मिनट के लिए, आपको पता लगेगा होल्ड कहते किसे है। मतलब सिंपल कह रहा हूँ मैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड आसन नहीं करके चक्र आसन में एक मिनट तक रहना, ना जी, शुरू करो यहाँ से भी जाओगे जैसे ही बाहर, ऊपर हाथ करके स्ट्रेच तो करना चाहिए ना, बैठे हुए एक घंटे तक, तो बस हाथ ऊपर करके खड़े हो जाना आराम से स्ट्रेच कर, एक मिनट काउंट करना, आपको पता लगेगा व्हाट इज दिस वन मिनट। कभी कभी क्या होगा, आपको बहुत अच्छा फील होने लग जाएगा ये करने की वजह से, एक्सरसाइज करने की वजह से। कभी कभी बहुत ही बुरा फील हो रहा होगा, एक्सरसाइज करने का मन नहीं कर रहा, चाहे मन कर रहा है चाहे बहुत अच्छा लग रहा है, करना है तो करना है, दिस इज द गोल्डन रूल, यू मस्ट नेवर गिव अप योर प्रैक्टिस। एज कि एयरक्राफ्ट चेक करना है तो करना ही है, दिस मस्ट बी वेरी क्लियर, क्योंकि इसके बिना सब कुछ करना बेकार है। अगर आप ये नहीं कर रहे, यानी कि डेली अपनी बॉडी के ऊपर कम से कम एक घंटा काम नहीं कर रहे, आप कुछ भी कर लो आप महाबेवकूफ। टेक माय वर्ड फॉर इट, आप एक बहुत बड़े आईटी इंजीनियर बन गए हो और बैठे हुए हो, बेवकूफ हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं लगेगा कहां आपकी लाइफ आपके हाथ से निकलेगी। ऐसे बंदों की हालत क्या होती है आने वाले टाइम में, पैसा तो आ जाता है लेकिन ना उनकी बॉडी उनके हाथ में होती है, ना माइंड उनके हाथ में होता है, ना इमोशंस, ना रिलेशनशिप, सब की धज्जियां उड़ जाती है धीरे धीरे, ये सब इंटरकनेक्टेड है। याद रखना, आपकी बॉडी में कहीं पर पेन आने का मतलब वो सिर्फ बॉडी तक नहीं रहेगा, आपके इमोशंस पे भी आएगा, आपके रिलेशंस पे भी आएगा, आपके करियर पे भी आएगा, सब जगह जुड़ा पड़ा है। सो यू मस्ट नो हाउ टू बियर गुड पेन विद अ स्माइल। नॉर्मली जब पेन हो रहा होता है, जैसे कहीं कोई स्ट्रेच करेगा आपको, आप खुद भी अपने आप को स्ट्रेच करोगे, पेन होगा तो ऐसे करेंगे, क्या जोर लगा रहे हैं, कभी कभी देखना अपनी शक्ल शीशे में देखना, कितना भी पेन हो रहा हो, इफ इट इज गुड पेन, इफ यू नो व्हाट गुड पेन इज, चेहरे पे स्माइल। सर्वित योगा में तो पेन को भी रिलैक्सेशन के साथ फील करना होता है ना, इसीलिए मैंने स्माइल बोल दिया। सर, वो वाली फेस नहीं बना सकते, वाली फेस नहीं बना सकते, लेकिन वाली फेस बनती है, राइट? हाँ, जैसे ही होल्ड करना पड़ता है एक मिनट तक, तो अलग अलग तरह के फेसेस बनते हैं, हमारी हालत खराब होती है। अगर वैसे फेसेस बना करके आप कर रहे हो तो दैट मीन्स कि अब आप ज्यादा देर तक नहीं कर पाओ। यू मस्ट स्माइल एंड डू, कुछ भी हो रहा है ठीक है, पेन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, प्लेजर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, एट टाइम्स यू विल गेट लॉट ऑफ प्लेजर फ्रॉम इट, इतना प्लेजर मिलेगा जितना आप सोच भी नहीं सकते।
अभी आपको पता नहीं है इसकी डेप्थ क्या है, कि वंस यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर बॉडी और एक बार आपकी बॉडी फिट होती चली जाती है तो क्या होता है, एनर्जी जो है वो पूरा प्रॉपरली फ्लो कर रही होती है। ऐसी एनर्जी होगी कि आप कहोगे कि हो क्या रहा है, सुबह उठोगे एकदम एनर्जी से भरे हुए, पूरे दिन एनर्जी से भरे हुए, मतलब कुछ कमाल की ही एक अंदर एक फीलिंग हो रही है। तो इस फीलिंग की वजह से खुश नहीं होना, समझ गए, खुश नहीं होना है, फंस जाओगे बुरे तरीके से, क्योंकि इस फीलिंग से अगर आप खुश हुए तो हो सकता है अगले दिन ये फीलिंग ना हो, फिर आप उसको करना छोड़ दोगे। तो चाहे कैसी भी फीलिंग हो रही है, अगर आप इस तरह से चले जिस तरह से मैं बात कर रहा हूं, तो 2-3 साल में क्या होगा कि आपने अच्छी फीलिंग्स को भी छोड़ते गए, बुरी को भी छोड़ते चले गए, अपनी प्रैक्टिस पे फोकस किया, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, तो धीरे धीरे क्या होगा, स्ट्रेच डीपर होता चला जाएगा, मसल्स अंदर से स्ट्रांग होती चली जाएंगी, एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, और तब भी आप एनर्जी को नहीं पकड़ोगे, अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करोगे तो आपकी बॉडी कमाल की बनती है। बट ये आपका गोल नहीं, आपका गोल क्या है, अंडरस्टैंडिंग, जिससे कि फटाफट से इस अच्छी फीलिंग को छोड़ करके जो मुझे अपनी बॉडी को फिट करके मिल रही है, इस सारी एनर्जी को लगा दिया जाए अपने माइंड पे, गो ऑन टू द नेक्स्ट लेवल, व्हाई बी ऑन दिस लेवल, क्योंकि बॉडी अगर फिट करना आपका गोल है तो आप में और जानवरों में क्या फर्क है, तो आपका एंड गोल वो है जहां पे जानवर अभी है, which is the beginning of animal life, यानी कि फिटनेस। जानवर सारे फिट है, उनको किसी योगा की जरूरत नहीं है। तो आप क्या गोल बना रहे हो अपनी लाइफ का, अगर आप फिटनेस गोल बना रहे हो या एनर्जी गोल बना रहे हो कि एनर्जी वाइज बहुत बढ़िया हो जाना है, तो आप जानवर बनने का गोल बना रहे हो, दैट इज नॉट द गोल ऑफ यू। बॉडी को फिट करते चले जाओ, फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग को गहरी करते चले जाओ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर माइंड, अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस यूनिवर्स, जाओ जहां तक जाते हैं, लास्ट में आएगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ, मैं कौन, दिस इज कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन, दिस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ योगा। इफ यू आर एब्सोल्यूटली क्लियर अबाउट कि मैं क्या हूं, वहां पर क्या होता है, एब्सोल्यूट पीस ऑफ माइंड, दैट इज द हाईएस्ट गोल ऑफ लाइफ, दैट इज द हाईएस्ट गोल ऑफ